नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में बारिश को लेकर। मौसम विभाग ने जो है अलर्ट जारी कर दिया है, साथ ही साथ किसानों को लेकर अलर्ट जारी किया, जिसमें कहा है कि किसान जो है आने वाले कुछ दिनों में धान की कटाई रोक दे। बिहार में ठंड पहले ही कहर बरपा रहा है और अब मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जता दी है। मौसम विभाग की माने तो 27 से 30 दिसंबर के बीच में बारिश होने की संभावना जताई गई है। इस दौरान शीतलहर भी चलेगी। साथ ही मौसम विभाग ने प्रदेश के किसानों को अलर्ट करते हुए कहा है कि वे धान की कटाई ना करें। विभाग की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जाने के अनुमान है, जिससे प्रदेश की अधिकतम जगहों पर यानी कि ज़्यादातर इलाकों में जो है हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इससे फसल को बड़ा नुकसान होने का खतरा है, इसलिए मौसम विभाग ने किसानों को लेकर जो है अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग पटना ने मौसम को लेकर जारी पूर्वानुमान में किसानों को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिसमें कहा है कि किसान धान की कटाई जोर शोर से कर रहे हैं, ऐसे में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की पूरी संभावना है। इसका प्रभाव प्रदेश के अधिकतर हिस्सों पर पड़ने वाला है, जिससे प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे और पूर्वा हवा का प्रभाव रहेगा। वर्तमान की अगर हम बात कर लें तो इस दौरान जो है पछुआ हवा जो है वो चल रही है तेज़ी से, जिससे कि प्रदेश में ठंड का माहौल बना हुआ है। लेकिन बारिश के दौरान मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि पूर्वा हवा चलेगी और पश्चिमी विक्षोभ जो है वो सक्रिय होगा। मौसम विभाग ने किसानों को यह सलाह दी है कि मौसम के परिवर्तन के पूर्वानुमान को लेकर वह अपने कटे हुए धान की फसल को सुरक्षित स्थान पर रखने की व्यवस्था कर लें, ताकि पानी और नमी से फसल को नुकसान नहीं हो, फसल को बचाया जा सके। तापमान में गिरावट को देखते हुए पशुओं को भी अलर्ट पर रखा गया है। मौसम विभाग ने पशुधन के बचाव को लेकर विशेष व्यवस्था करने को कहा है। इस दौरान अगर हम तापमान की बात कर लें तो प्रदेश में अधिकतम तापमान जो है 18 से 20 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, जिससे प्रदेश में शीतलहर की संभावना होने की बात कही जा रही है। बता दें कि प्रदेश में दिसंबर महीने में यह तीसरी बार होगा जब पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। बताया जा रहा है कि बारिश के साथ साथ प्रदेश में ठंड का कहर और भी बढ़ जाएगा, ऐसे में मौसम विभाग ने किसानों को अलर्ट कर दिया है। साथ ही साथ पशुओं को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। तो वर्तमान की अगर हम बात कर ले तो इस समय पछुआ हवा के कारण जो है ठंड बरपा रही है और आने वाले 27 से 30 दिसंबर के बीच में जो है इस कल पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और उसके बाद बारिश होने की पूरी संभावना पटना मौसम विभाग ने जता दिया है। बिहार और बिहार जुड़े हुए और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।